खंडवा शहर के महादेवी नगर में बाउंड्री वॉल तोड़ने के मामले में कॉलोनी के निवासियों ने खूब विरोध जताया। नगर निगम के दस्ते ने उनकी एक नहीं सुनी और बाउंड्री वॉल को जेसीबी से गिरा दिया। महादेवी नगर की महिलाओं का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें गिरा दिया। कॉलोनी की सुमन सोलंकी, सीमा व्यास और रजनी काकानी ने बताया कि महादेवी नगर के रहवासियों के विरोध के बाद भी नगर निगम ने एक खेत मालिक को रास्ता देने के लिए कॉलोनी की दीवार को गिरा दिया और पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं से बहसबाजी की। इस कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। आप ये भी लोगों लेडीजों को महादेवी नगर की लेडीजों को धक्का मुक्की की, हमको चोटें आ गई है। वो जो झाड़ू लगाती थी उन लोगों से हमारे को हमारे ऊपर हमको धक्का दिया। पूरा पार्ट का गला है सामने, हमको किया गया था कि रास्ता नहीं खुलेगा, अन्य का रास्ता नहीं खुलेगा। कमिश्नर साहब ने बोला बात का बोला क्या नाम है नगर निगम में, कमिश्नर साहब ने बोला रास्ता नहीं खुलेगा, अन्य का रास्ता है। फिर रास्ता क्यों खुला है? क्या नाम है आपका? सुमन सोलंकी। आपका नाम रजनी काकानी। क्या नाम था? पूरा मामला क्या था? ये कोई बाइट ले लेते हैं। मैं रजनी काकानी महादेवी नगर से बोल रही हूँ। महिला मंडल के सामने पुलिस बल भी कमजोर पड़ गया तो उन्होंने दूसरी लेडीजों का जो झाड़ू लगा रही कॉलोनी में उन लोगों का सहयोग लिया और हम लोगों को भयंकर तरीके से धक्का मुक्की करके गिरा दिया। मामूली चोटें भी आई है, ये अच्छा नहीं किया। सर हम ये चाहते हैं, सर हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता ना खुले क्योंकि पीछे ना डेवलप है। आप खुद आपके इसमें देख सकते हैं कि डेवलप कॉलोनी को रास्ता दिया जाता है, खेती की जमीन को रास्ता नहीं दिया जाता है। नगर पालिका ने पहला काम किया है कि खेती की जमीन को नगर पालिका ने रास्ता दिलवाया कॉलोनी से, उसका कोई कॉलोनी में नक्शे में कहीं से कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों को नगर पालिका के पास जाके या जो भी है वो पूछ के आप बता सकते हो कि क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ नाम बताइए, सीमा लाड, और ये इलाका बिल्कुल अनडाइवर्ड है पीछे वाला, और इन्होंने यहाँ से आके जबरदस्ती रास्ता मांगे जबकि कॉलोनी नाइजर ऑलरेडी दो रास्ते बाहर से देने को तैयार है। ये वो रास्ता नहीं ले रहे, इनको जिसने जहाँ से प्रेशर डाला है ये वो रास्ता खोलने आ चुके, ये गलत है। सभी महिलाओं का यहाँ पे क्या सेफ्टी आज बताई? आज वहाँ पे सामने भट्टा है, वहाँ से सीधे अंदर लोग आते हैं और दारू पी के पीछे जाते हैं, वहाँ से कंपाउंड वॉल से भी बाहर आ जाते हैं लोग। अब इसकी सेफ्टी के लिए हमने क्या करना चाहिए आप बताइए हमको, हैं? और सर रास्ता नहीं है। आज क्या हुआ अभी? आज ये हुआ कि हमने रास्ता वहाँ से देने के बावजूद इन्हें दूसरा रास्ता और ये मांग लिया, गलत है ये, जबकि हमने रास्ता दे दिया है। सर कमिश्नर सर ने लिख के दिया था। हाँ सोनी, क्या मामला? मामला ये है कि ये हमने जो कॉलोनी बनाई है पीछे, ये बाउंड्री वॉल कॉलोनी की सेफ्टी के लिए बनाई है और टीएनसी के नियम के अनुसार वहाँ यदि पीछे कृषि लैंड है, ये एक आदमी बार बार हमारी कंप्लेंट कर रहा है और उसकी एग्रीकल्चर लैंड है, अनडाइवर्टेड लैंड है, उसने चोरी से टुकड़े टुकड़े करके भूखंड भेजे हैं और उसको बोला, उसने तहसीलदार को आवेदन किया था कि मेरे खेत में जाने का रास्ता नहीं है, जबकि उसका अलग से रास्ता बना हुआ है और शुरू से खेती होती थी तो हमारे यहाँ से नहीं जाता था, उसका पीछे से रास्ता है और अभी वैकल्पिक रास्ता भी उसके पास रामनगर से है, वो रामनगर में किराए से रहता है और उसने कोई कॉलोनी नहीं काटी है और झूठी कंप्लेंट करके इन लोगों ने तहसीलदार से आदेश पारित करवाया है कि जो घर बने हुए हैं ये जो घर ये अनडाइवर्ट, ये कोई विदाउट परमिशन है, नगर निगम की कोई परमिशन नहीं है, भूखंड बने हुए हैं ये, और वो रामनगर की जो राजेंद्र नगर की कॉलोनी है वो सब वैध है, तो वैध रास्ता खोलने के लिए हमने बोला था और हमने खुद ने लिख के भी दिया है उनको, पर उन्होंने वो रास्ता वो नहीं खोलना, उनको ये रास्ता खोलना था और एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाना था और ये हमारा इसमें ऑब्जेक्शन है और तहसीलदार ने बिगर हमारी सुने, बिगर हमको कोई नोटिस दिए और इन्होंने ये कार्रवाई करके आदेश पारित कर दिया और कल तीन या चार बजे हमको नोटिस दिया और आज तोड़ने आ गए, जबकि हमारा पक्ष उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। हम कमिश्नर से भी मिले थे तो कमिश्नर भी बोलता है, बोले वो तो ऊपर के आदेश है, तहसीलदार के आदेश है और आप ये देख सकते हैं उनका जो ये है। बताइए कि आप अब आगे क्या करेंगे? आगे इनके अगेंस्ट में हम लीगल कार्रवाई करेंगे, इनको नोटिस देंगे, वकील का हमने पहले एक नोटिस दिया हुआ था जब इन्होंने शुरू में कार्रवाई की थी, तब हमने इनको बोला था कि भाई ये बाउंड्री वॉल मत तोड़ो, आप वो खोल दो जो रास्ते हैं वो TNC के नियमानुसार, और कमिश्नर ने भी उसको एंडोर्स करके दिया है
कि ये जो TNC नियम के अनुसार है वो रास्ते खोलो, जबकि ये TNC मेरा नाम चंद्रहास कानून को है। आपको क्या आपत्ति? हमारा मैं यहाँ का कॉलोनाइजर हूँ। कॉलोनाइजर तो मेरे ब्रदर वगैरह था, मेरे नाम से लाइसेंस नहीं था, पर मैं इसका सहभागी हूँ। मैं ये हमारे परिवार की ज़मीन है और परिवार ने कॉलोनी काटी है, और इसमें आप चाहे तो देख सकते हैं ये इसमें खसरा नंबर। आपको आपत्ति क्या है? किसी को रास्ता मिल रहा है, किसी को रास्ता, एग्रीकल्चर लैंड है। आप, हमने तो उसको कहा है, हमें आपत्ति है कि आप कॉलोनी बनाओ, शासन का नुकसान मत करो, शासन को विधिवत शुल्क दो, वो कॉलोनी डेवलप करो और खोल लो रास्ता। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसकी। अभी आपत्ति है हमें कि क्योंकि बिगड़ नियमों के ये नियमों को ताक पर रख के अपना मनमानी कर रहे हैं। एक भी मकान नहीं बना, बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रहास खानोली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।